हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज मैं इलाहाबाद की बेस्ट 5 ऐसी जगह है घूमने वाली जो मैं आपको दिखाने वाला हूं, तो आप वीडियो में एंड तक बने रहना। तो चलो वीडियो के स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, यह जगह सबसे ज़्यादा फेमस है इलाहाबाद की, प्रयागराज की, जिसको हम लोग संगम कहते हैं। यहाँ पर लोग दूर दूर से आते हैं स्नान करने, और यहाँ पर 3 नदियों का संगम होता है, गंगा, जमुना और सरस्वती। दोस्तों, इस संगम में लोग दूर दूर से आते हैं स्नान करने, और ये काफ़ी देख पा रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा बड़ा है संगम। और यहाँ पर नाव की बात करी जाए तो यहाँ पर कम से कम 500 से 600 नाव कम से कम यहाँ पर खड़ी होगी डेली। यहाँ पर जो भी बाहर से आते हैं यात्री स्नान करने, और जो भी पब्लिक आती है स्नान करने, वहाँ पर ये नाव से भी जाते हैं संगम में। फिलहाल यहाँ पर क्योंकि 3 धारा है, जमुना है, गंगा जी हैं और सरस्वती जी हैं, तो जहाँ पर संगम होता है वो मेरे बैक साइड में है वहाँ पर, तो वहाँ पर इस नाव से जाते हैं। वहाँ पर नहाने को ज़्यादा अच्छा मानते हैं, ज़्यादा मतलब पुण्य होता है, लाभ होता है, तो ज़्यादातर लोग वहीं पर जाकर के नहाते हैं, स्नान करते हैं। और मेरे इस तरफ नया पुल है, दिखा देना चाहता हूँ बैक करके। ये देखिए, मेरे बैक साइड में नया पुल है, वो आपको अभी दिख नहीं पा रहा होगा। तो नया पुल भी काफ़ी ज़्यादा फेमस है। प्रयागराज की सबसे ज़्यादा मोस्ट पॉपुलर जगह है जो कि संगम के नाम से जाना जाता है, और यहाँ पर देश विदेश के और बहुत सारे मतलब बाहर कंट्री के लोग भी आते हैं यहाँ पर स्नान करने। इलाहाबाद इसीलिए यहाँ पर ये बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है। इस तरफ संगम है, इस तरफ 3 धारा मिलती है, गंगा, जमुना और सरस्वती जी, तो वहाँ पर जाकर के लोग स्नान करते हैं। वहाँ पर मतलब ज़्यादा पुण्य उनको मिलता होगा, इसलिए वहाँ पर ज़्यादा पॉपुलर है वो। इस जगह त्रिवेणी संगम होता है, 3 नदियों का सम्मेलन होता है यहाँ पर। दोस्तों, ये प्रयागराज में यहाँ पर संगम के आसपास एक मंदिर है जो कि लेटे हुए हनुमान जी का मंदिर है, वो बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर है, बहुत ही ज़्यादा फेमस है। तो जो भी यात्री यहाँ पर आते हैं संगम के लिए स्नान करने, तो वो वहाँ पर ज़रूर जाते हैं, क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा फेमस है हनुमान जी का मंदिर, वो भी मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको दिखाऊंगा। यहाँ पर बहुत ही तगड़ा व्यू है, आप देख पा रहे हो पीछे कितना बड़ा संगम है, यहाँ पर कितने दूर दूर से लोग आते हैं। और व्यू की बात करें तो व्यू आप देख सकते हैं, कितना खुला आसमान है, कितना अच्छा लग रहा है, बता नहीं सकता। दोस्तों, यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा दूर दूर से लोग आते हैं यहाँ पर स्नान करने। व्यू की बात करें तो आप देख पा रहे हो काफ़ी अच्छा व्यू है, और कितना खुला आसमान है जो आप यहाँ पर देख पा रहे हो इस वीडियो में। इतना खूबसूरत नज़ारा आपने पहले कभी नहीं देखा होगा, संगम क्षेत्र का ये नज़ारा है। ये हनुमान जी की मंदिर जो कि बंधवा वाले हनुमान जी हैं, बहुत ही ज़्यादा फेमस है वो जस्ट। एक जगह का फिर पैसा दे दिया। नहीं भैया, फिर भी आप बात ही करते जा रहे हैं यार। Thank you.
जगह आपको मैं ले जा रहा हूँ, यह है जैन मंदिर जो कि अंधावा रोड पर है, काफ़ी ज़्यादा फेमस है। और दोस्तों सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ पर कोई भी टिकट नहीं है, फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई भी एंट्री का कोई चार्ज नहीं है। ये जैन मंदिर है जो कि अंदर गौतम बुद्ध जी का टेम्पल है ये, और आगे अंदर चल के आपको दिखाते हैं। आपको बताना चाहता हूँ कि अभी जो जैन मंदिर है बैक साइड में, वहाँ पर अभी ऊपर जाने नहीं दिया जा रहा है क्योंकि वहाँ पर अभी लॉक लगा हुआ है। वो लॉक खोलते हैं करीब 4 बजे। जो पीछे बैक साइड में पहाड़ दिख रहा है गौतम बुद्ध जी का, और वो शाम को 4 बजे खुलेगा। तो फिलहाल अभी तो वहाँ का मैं शूट नहीं कर पाऊँगा, फिलहाल मैं आपको और सारी चीज़ें दिखा देता हूँ जो कि आप देख पा रहे हो बैक साइड में कितना ज़्यादा हरा भरा है, कितना खूबसूरत लग रहा है, और काफ़ी बड़ा है, काफ़ी ज़्यादा स्पेस है। तो यहाँ पर घूमने के लिए बहुत ही अच्छी जगह है। दोस्तों ऊपर जाने के लिए लॉक लगा हुआ है फिलहाल, शाम को खुलेगा। ये देखो दोनों तरफ से लॉक लगा हुआ है, इस तरफ भी लॉक लगा हुआ है, और ये करीब खुलेगा शाम को 4 बजे के बाद। तो मैं ऊपर का तो शूट नहीं कर पाऊँगा, फिलहाल इधर का शूट करके दिखा देता हूँ। काफ़ी अच्छा स्पेस है, काफ़ी हरियाली भी है इधर, कितनी अच्छी हरियाली है भाई साहब, मज़ा आ गया। जैन मंदिर यार, लेकिन गेट खुला होता तो और ज़्यादा मज़ा आता, पूरा हरा भरा, फुल बातचीत आ रही है, देख रहे हो पूरा हरा भरा है। ऊपर जाने का रास्ता खुला होता तो और भी अच्छा लगता। गाइस जो यहाँ पर सबसे अच्छी बात ये है कि यहाँ पर बहुत ज़्यादा सुकून है, काफ़ी अच्छा लग रहा है। यहाँ पर आके आप यहाँ पर 10 मिनट बैठोगे आपको खुद ही पता लगेगा कितनी ज़्यादा शांति है यहाँ पर इस जैन मंदिर पे, जो कि प्रयागराज में है। ये अंधावा रोड पर पड़ता है, झूसी के थोड़ा सा आगे। तो यहाँ पर बहुत अच्छा लग रहा है मुझे। दोस्तों मैं अभी खड़ा हूं कंपनी बाग की गेट के सामने। कंपनी बाग के अंदर का आपको व्यू दिखाते हैं, और यहां पे कितना टिकट प्राइस है वो भी मैं बताऊंगा। तो चलो चलते हैं अंदर और आपको बताते हैं। दोस्तों ये है टिकट घर, यहां पर 5 रुपए का टिकट है एक बंदे का, और यहां से एंट्री है। ये है अमर शहीद चंद्रशेखर आज़ाद पार्क जो कि प्रयागराज में है।
दोस्तों यह पार्क बहुत ही ज़्यादा बड़ा है और इसके अंदर एक स्टेडियम भी है जो कि उसका नाम है मदन मोहन मालवीय स्टेडियम। वहाँ पर स्पोर्ट्स वाले बंदे आते हैं क्रिकेट सीखने, हैंडबॉल और वॉलीबॉल और भी कई तरह के गेम हैं वो सारे सीखने आते हैं। तो ये जो पार्क है बहुत ही ज़्यादा बड़ा है। हेलो दोस्तों, अभी मैं आ गया हूँ खुशबाग जो कि प्रयागराज की हिस्ट्री है, प्रयागराज का इतिहास है। तो चलते हैं आपको खुशबाग की तरफ और अंदर का व्यू दिखाएंगे आपको। और यहाँ पर मैं एक चीज़ और बता देना चाहता हूँ कि यहाँ पर किसी भी तरीके का कोई भी टिकट चार्ज नहीं लिया जाता है, यहाँ पर फ्री ऑफ कॉस्ट एंट्री है। तो चलो चलते हैं और आपको अंदर का व्यू दिखाते हैं। दोस्तों, यह खुसरूबाग जहांगीर ने अपने आरामगाह के लिए बनवाया था। जहांगीर के पुत्र खुसरू जी, उन्हीं के नाम से यह प्रसिद्ध हो गया खुसरूबाग। पहला मकबरा खुसरू जी का है।